नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम छत डालते हैं तो जो शटरिंग करते हैं, शटरिंग हमें किस तरह से करनी है और साइज किस तरह से हमें मेंटेन करना होता है शटरिंग का। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारा जो हाइट है ये है 13 फिट। 13 फिट के लिए दोस्तों हम ये इस तरह से जैक है, इन जैकों को लगा लेते हैं और जैक लगा के ऊपर प्लेट लगा के शटरिंग कर देते हैं। तो 13, 14, 15 फीट तक आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपका लिंटल लेवल, जो आपकी छत की स्लैब है इसका लेवल, इससे ज़्यादा हो। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये हमारा एक लिंटल डला हुआ है, ये एक फ्लोर का लिंटल, उसके बाद ऊपर वाला आप देखेंगे हमारा तकरीबन 30 फिट पे है। तो ऐसे में दोस्तों हम शटरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इतने बड़े जैक तो कहीं आते नहीं हैं। तो इसकी शटरिंग कैसे की जाती है, और ये क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा है तो शटरिंग मजबूत भी होनी चाहिए, सेफ्टी का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जहाँ पे दो स्लैब होती हैं, दो लेंटर होते हैं, वहाँ पे जैसे ये एक लेंटर हमारा डल गया इस लेवल पे, एक वो है दूसरा, तो ये बीच में जिस एरिया में पहले वाला लेंटर नहीं होगा उसको हम डबल हाइट एरिया बोलते हैं। यानी कि अब ये जो है हमारा जो 30 फिट पर लेंटर, ये डबल हाइट का है। तो डबल हाइट की हम शटरिंग कैसे करें, क्योंकि इतने बड़े जैक वगैरह तो आते नहीं। जैसे यहाँ पे हो रखी है, सिंगल हाइट तो हो गई हमारा पूरा, ये जैक हमारा समझ लीजिए इसकी मैक्सिमम लेवल तक ही हमने खोल दिए हैं, प्लेट वगैरह लगा दी है, और ये भी हमारा डबल हाइट ही है। इस पे हमें छत डालनी है, छत एक्सटेंड करनी है। छत हम डाल चुके हैं लेकिन अभी थोड़ा छत हमें एक्सटेंड करना है, इसके लिए हमने दोबारा शटरिंग करी है। तो इसकी शटरिंग हमें कैसे करनी है डबल हाइट की, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबा के बेल को भी सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो जिस तरह से दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा पहला स्लैब है, ये हमने शटरिंग कर दी है, इसी के ऊपर हमारा जो वो कट दिख रहा है आपको, उसको हमें एक्सटेंड करना है। तो वहाँ हम शटरिंग कैसे करें, तो इसके लिए दोस्तों हम करते हैं डबल हाइट शटरिंग, डबल हाइट शटरिंग बोलते हैं इसको। तो डबल हाइट शटरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी शटरिंग हो गई, ये हमने आप देख पा रहे हैं शटरिंग होगी, पूरा प्लेट वगैरह लगा के इसको हमने अच्छे से बांध दिया है चारों तरफ से। अब इस शटरिंग के ऊपर ही हम सेम ऐसी शटरिंग दूसरी करेंगे, तब जाके हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो एक शटरिंग के ऊपर दूसरे शटरिंग करना दोस्तों डबल शटरिंग कहलाता है। तो ये जैसे मैं आपको दिखा दूँ, नीचे से हमने ये शटरिंग इस लेवल पर कर ली, हमारा बीम है पहला, पहले जैसे ये छत डली हुई है, ये छत आप देख पा रहे हैं डली हुई है, ये कंटिन्यू जाती है अगर ये डलती तो, लेकिन यहाँ हमने डाला नहीं है, खाली बीम है इधर भी और इधर भी, ये देखेंगे छत। तो इसके ऊपर हम इस एरिया में हमारी पहली छत नहीं है, सीधा दूसरी डलेगी। तो नीचे हमने ये देखेंगे सिंगल शटरिंग कर ली, अब इसके ऊपर हम दूसरी शटरिंग कर रहे हैं, वो आपको दिखाऊँ कैसे हो रखी है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पहली वाली हमारी स्लैब पे, पहली छत पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा पहला छत डला हुआ है, और ये हमारा स्टेयरकेस का एरिया है, यहाँ पर हमारा राउंड स्टेयरकेस आएगा, इसके लिए हमने ये लैब छोड़ा हुआ है। ये हमारा डबल हाइट है, यहाँ पे छत नहीं है, बाकी चारों तरफ है हमारा पैसेज, ये इसका छत है, ये डबल हाइट छत है। तो इसके अपोजिट में ही हमारा ये है, ये देखें जो मैंने आपको नीचे दिखाया था, ये हमने शटरिंग करा हुआ है, ये हमारा शटरिंग हमने किया हुआ है। तो ये हमारा सिंगल शटरिंग हो गया, और ये हमारी इसी हाइट पे डबल हाइट पे देखेंगे छत डाला हुआ है पहले से, लेकिन अब हमें इसको आगे तक लेके जाना है, ड्राइंग में कुछ चेंज आ गए। तो इसके लिए हमें शटरिंग करनी है ऊपर तक पहुंचने के लिए जहां हम काम कर रहे हैं। तो पहले हमने शटरिंग कर दी, अब शटरिंग के ऊपर आप देखेंगे हमने दूसरी शटरिंग कर दी है, ये देख पा रहे हैं, और अब हमने जो हमारा एरिया है वहाँ तक हम आराम से पहुँच गए, अब हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हम, क्योंकि हमें इतने ही एरिया में काम करना है, हमारा डबल छज्जा है, आप देखेंगे एक नीचे छज्जा एक ऊपर। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला छज्जा डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो एक कॉलम है, इधर से कॉलम और ये वाला कॉलम, तो हमारा ये कॉलम और ये कॉलम, इसमें हम रिवायरिंग करके पहले ऐसे बीम डालेंगे, ये जो बीम है समझ लीजिए अब हमें यहाँ शिफ्ट करना है ऐसे के ऐसे छज्जे के साथ। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही सेप, मतलब यही चीज़ हमें वहाँ लेके जानी है। तो हम रिवायरिंग करके ये वाला बीम डालेंगे इसी साइज़ का, और इस पर फिर ये छज्जा ले जाएंगे, उसके बाद हम ऊपर वाला छज्जा कास्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने डबल शटरिंग कर दी है, जैसे ये देखेंगे आप, ये हमारी पहली शटरिंग है जो ग्राउंड से आई है फर्स्ट फ्लोर तक, और अब इस शटरिंग के ऊपर ही हमने एक शटरिंग ओवर कर दी है, इसको हम डबल शटरिंग बोलते हैं। तो हाइट पर हम इस तरह से शटरिंग को करके ले जाते हैं डबल हाइट तक, और शटरिंग आपको अच्छे से करनी है, जैक वगैरह आपको चेक कर लेने हैं, प्लेटें आपको चेक कर लेनी है, सपोर्ट आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि ये रिस्की काम है।
तो शटरिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, कीलें अच्छे से लगानी है, तार अच्छे से बांधने हैं, कहीं से लूज ना रह जाए, इन्हीं बातों का आपको खास ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा लेकर चलने, जितने एरिया में काम कर रहे हैं, मान लीजिए इस साइज तक मुझे काम करना है तो मैं इसमें 3-4 फीट आगे तक लेके जाऊंगा ताकि आराम से सपोर्ट मिल जाए, किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये तरीका है डबल हाइट पे कंक्रीट डालने के लिए, डबल हाइट की शटरिंग करने का। पहले एक शटरिंग का लेयर हमने लगा दी, उसके ऊपर शटरिंग के ऊपर ही हम दूसरी शटरिंग लगा देते हैं। तो इस तरह से की जाती है डबल हाइट की शटरिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलता हूँ ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।